अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज हम वेजिटेबल पास्ता बनाने की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप कुकिंग ऑयल का लेंगे। इसको गर्म होने के बाद फिर इसमें हम एक चम्मच अदरक और लहसुन के पेस्ट का ऐड करेंगे। चम्मच की मदद से हम इसको इस तरह मिक्स कर लेंगे और एक मिनट कुक करेंगे ताकि ये अच्छे से ब्राउन हो जाए। ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है तो अब हम इसमें एक कप आलू का छोटे साइज में कटे हुए ऐड करेंगे। एक बड़ी गाजर ली है, उसको छोटे छोटे साइज में काटने के बाद वो इसमें ऐड करेंगे। एक कप भर के हम मटर का ऐड करेंगे। आप अपनी पसंद से और भी इसमें सब्जियां ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इनकी अच्छे से भुनाई करेंगे। फ्लेम को मीडियम कर देंगे और सब्जी की अच्छे से भुनाई करेंगे। थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे ताकि आलू, मटर और गाजरें अच्छे से पक जाएं। वेजिटेबल पास्ता बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बच्चों को बना के दीजिएगा। सब्ज़ी कुक हो चुकी है तो अब बारी आती है इसमें एक चम्मच सोया सॉस का ऐड करेंगे, एक चम्मच सिरके का ऐड करेंगे, दो चम्मच चिली सॉस के ऐड करेंगे और चम्मच की मदद से हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है तो अब हम इसमें एक चम्मच नमक का ऐड करेंगे, एक चम्मच सुरख मिर्च का ऐड करेंगे, आधा चम्मच दड़ा मिर्च और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे। और चम्मच की मदद से मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी पास्ता रेडी हुआ है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।